ठीक है। गुरु नानक कॉलोनी है, दाफलपुर पिंड नेड़े डेरावसी। इतने आज दोपहर एक वारदात हुई है जिथे एक लेडी जिदा नाम सरोज है और अपने घर के बाहर धूप च बैठी हुई सी। तो कोई दो अणपछाते बंदे आए, एक बिना नंबर प्लेट की बाइक के उपर, उन्होंने हैलमेट पाए सके तो फेस तो रिकगनाइज नहीं हो पाया। तो उन्होंने आए और स्लो डाउन करके अपनी बाइक तो वह लेडी के उपर दो राउंड फायर किए, एक उन्होंने स्टमक के नेड़े तेड़े लग गया, दूजा उन्होंने नैक के कोल होके निकल गया। बेटी उन्होंने घर नहीं सी, वो अपने बच्चे स्कूल तो लैन गई सी, उन्होंने बेटा तो नूं वखरे रहिंदे ते हजे तक कुछ नहीं पता, फैमिली नूं भी नहीं पता और अननोन बंदे सी। फैमिली दे अकॉर्डिंग 1:30 बजे ते नेड़े तेड़े तक। मैम जख्मी दी हालत किदा है? उन्हां नूं पीजे लेके गया हैगा, अभी ट्रीटमेंट चल रही है। मैम कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह रंजीश दी कोई सूचना? नहीं हजे तक कुछ नहीं आई है रंजीश बाजी दा, कुछ सीसीटीवी कैमरे वगैरह की बात कर दो कुछ। एक फुटेज आई है बट वही अनपछाते हेलमेट पाया हुआ हैगा ते जो बाइक है ओदे भी नंबर प्लेट नहीं है। गुरु नानक कॉलोनी है, दाफलपुर पिंड नेड़े डेरावसी। इतने आज दोपहर एक वारदात हुई है जिथे एक लेडी जिदा नाम सरोज है और अपने घर के बाहर धूप च बैठी हुई सी, तो कोई दो अणपछाते बंदे आए, एक बिना नंबर प्लेट की बाइक के उपर, उन्होंने हैलमेट पाए सके तो फेस तो रिकगनाइज नहीं हो पाया। तो उन्होंने आए और स्लो डाउन करके अपनी बाइक तो वह लेडी के उपर दो राउंड फायर किए, एक उन्होंने स्टमक के नेड़े तेड़े लग गया, दूजा उन्होंने नैक के कोल होके निकल गया। तो इन्हें की मैम कुछ रीजन पता लग गया? मैम नहीं नहीं कोई रीजन नहीं पता लग गया है, फैमिली नूं कुछ नहीं पता, हसबेंड उन्होंने एपीलैप्सी के मरीज़ है, तो बेटी उन्होंने घर नहीं सी, वो अपने बच्चे स्कूल तो लैन गई सी, उन्होंने बेटा तो नूँ वखरे रहिंदे ते हजे तक कुछ नहीं पता, फैमिली नूं भी नहीं पता और अननोन बंदे सी। फैमिली दे अकॉर्डिंग 1:30 बजे ते नेड़े तेड़े तक। मैम जख्मी दी हालत किदा है? उन्हां नूं पीजे लेके गया हैगा, अभी ट्रीटमेंट चल रही है। मैम कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह रंजीश दी कोई सूचना? नहीं हजे तक कुछ नहीं आई है रंजीश बाजी दा, कुछ सीसीटीवी कैमरे वगैरह की बात कर दो कुछ। एक फुटेज आई है बट वही अनपछाते हेलमेट पाया हुआ हैगा ते जो बाइक है ओदे भी नंबर प्लेट नहीं है।